नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद्या में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट एग्जाम 2011 से 2016 तक की सीटेट एग्जाम जो हुई है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप सीटेट एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं हिंदी पैडागॉजी में किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को देखना है और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा, सीधे सीधे उत्तर को टिक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट उसमें ना हो। देखिए, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया है तो हमें यहाँ पर असत्य कथन का ही चयन करना था। चलिए ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसे चुनना है। तो यहाँ पर हम चुनेंगे ऑप्शन थर्ड को, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक को देखना है कि भाषा सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी कि वातावरण जितना ज़्यादा समृद्ध रहेगा भाषा का उतना ज़्यादा सीखने में हमें मदद मिलती है। तो समृद्ध भाषी वातावरण जो रहेगा ये भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं। तो बच्चे अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी जितना ज़्यादा हम भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करेंगे हमारा भाषा अर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं और इसका निहित अर्थ यह है कि, अब इसके चारों विकल्प को देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहित अर्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध होगा तो बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा को अर्जित करते हैं। तो इसलिए बच्चों को एक समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना ज़रूरी होता है। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये हमारा इसका निहितार्थ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य होता है। तो वहाँ पर जो तात्पर्य होता है वहाँ भाषा का प्रयोग सिखाना ही उसका तात्पर्य होता है प्राथमिक स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा एक के बच्चे अपने रक्तस्थान एवं रक्तस्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कक्षा एक के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर परिवार और अपने परिवेश से संबंधित अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, घर परिवार परिवेश। चलिए अगला है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है।
तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है वो अनुकरण पर बल देता है। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल दिया गया है, बल दिया जाता है, तो ये दिया जाता है परस्पर अंतर्क्रिया। तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है उसका चयन करना है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा वर्णमाला क्रम को क्रम से कंठस्थ करना, ये उद्देश्य नहीं होता है भाषा शिक्षण का। चलिए अगला है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर हमें समावेशी कक्षा के हिसाब से देखना है और जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो, तो देखिए यहाँ पर प्रतिकूल जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर जो रहेगा उसके प्रतिकूल माना गया है। चलिए अगला है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, जितने अधिक हो जाएं उतने बच्चों को अवसर उपलब्ध कराए जाए भाषा प्रयोग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य रहेगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए अगला है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, तो जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि सृजनशील प्रयोग करना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ उत्तर होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और इसमें भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वहाँ पर होता है भाषा प्रयोग के अवसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता किस प्रकार की होना चाहिए, तो यहाँ पर बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने वाली होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो चलिए चारों को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, और बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, और सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों यहाँ पर दोहराना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो रहेगा चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य ये होता है कि वे अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सकें, ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो देखिए पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां दी होती है, तो उनको पाठ के अंत में देने का क्या उद्देश्य रहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर
बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, क्योंकि बच्चे जब पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको जब बच्चे से हम करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बच्चों को भी अभिव्यक्ति देने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि जो रहेगी वो रहेगी वही बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। बहुत बार प्रश्न ये आ चुका है, पर थोड़ा सा चेंज करके बार बार पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो ना हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू से मतलब नहीं। जो बच्चे की मातृभाषा हो, अब उसकी मातृभाषा चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कुछ भी हो, जो भी उसकी मातृभाषा हो, वो प्राथमिक स्तर पर उसकी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्योंकि वो उसका माध्यम रहेगा तो बच्चा बहुत शीघ्रता से वहाँ पर भाषा या शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, फिर ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है बार बार, और सारे ही क्वेश्चन जो हैं हम विगत वर्ष में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न लगभग लगभग कई बार थोड़ा सा चेंज करके दिया जा रहा है, विकल्प को थोड़ा सा बदला जा रहा है, बाकी प्रश्न का पूछने का मतलब वही है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा फिर से हमारा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए फिर ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है इसी प्रकार से, पाठ के अंत में अभ्यास वाली गतिविधियाँ। तो यहाँ पर विकल्प को थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए अब इसके पहले हमने देखा था यहाँ पर अभिव्यक्ति करने का अवसर मिले, और यहाँ पर वही एक स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो, तो इसलिए थोड़ा सा विकल्प को बदल दिया गया है, बाकी आप उसका मतलब समझ जाते हैं तो आप आसानी से उत्तर को पहचान पाएंगे। चलिए ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये आया है, इसमें उद्देश्य नहीं कर दिया है। देखिए पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य रिक्त स्थान नहीं है। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान नहीं है वो हमें देखना है, तो क्या उद्देश्य नहीं होता है? तो प्रश्न के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये यहाँ पर उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होता है? तो स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, जो टीचर हैं हमारे, जो भाषा के शिक्षक हैं, उनकी स्वयं की भाषा प्रभावी होना चाहिए, भाषा की कक्षा में ये जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा सीखने का उद्देश्य है, फिर ये क्वेश्चन भी जो है कई बार रिपीट हुआ है, बस विकल्प जो है इसके ये बदले गए हैं। तो देखिए भाषा सीखने का उद्देश्य होता है प्रत्येक स्थिति में अब भाषा प्रयोग कर पाना। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? देखिए यहाँ पर हमें अनुकूल देखना है, तो प्रिंट समृद्ध माहौल जो होता है वो भाषा सीखने में मदद करता है, यह भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी पढ़ावा जिससे संबंधित 30 प्रश्न जो थे ये समाप्त होते हैं। अब आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप यदि हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कई प्रकार की PDF जो होती है उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहाँ से उनको ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ में समय तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ।